हाय एमपीएस। सो आज हम लोग जो कंटिन्यूस कर रहे हैं सॉल्यूशन अपना जो चल रहा था हमारा वक्सी का सॉल्यूशन, उसको हम लोग कंटिन्यूस कर रहे हैं। ठीक है। सो पिछला वीडियो मतलब दो वीडियो जो गया है उसमें हमने 1 से 8 तक का सॉल्यूशन देख लिया था। ठीक है। और सॉल्यूशन ऑडिट देख लिया था और उम्मीद है आप लोगों ने 8 से आगे भी ट्राई किया होगा। और ट्राई किया होगा तभी वीडियो को देखिएगा, इधर मत देखिए, क्योंकि आपको ही सीखना है, आपका ही बुक है, आपको ही सॉल्व करना है। ठीक है। हमें नहीं करना है, हमें तो बस एक सोल्यूशन दे देना है, आपको थोड़ा सा हिंट्स दे देना है ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। तो इसको बस एक एज ए हिंट्स ही यूज कीजिएगा, पूरा एकदम कॉपी मत कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए अभी 9 नंबर से कंटिन्यूस करते हैं। ठीक है। सो जो वर्कशीट आपने नोट किया था उसको थोड़ा सा ओपन कर लीजिए और 9 नंबर सम्स देखिए। ठीक है। 9 नंबर सम्स को रीडिंग कीजिए। ठीक है। 9 नंबर सम्स क्या बोल रहा है, 20 मीटर लंबे और 18.5 मीटर चौड़े एक आयताकार तालाब में 3.2 मीटर गहरा जल है, 3.2 मीटर गहरा जल है जिसमें प्रति घंटा 160 किलोलीटर जल निकालने वाला एक पंप को कितने समय तक चलाया जाए कि पूरा तालाब खाली हो जाएगा। ठीक है। ये सवाल का फर्स्ट पोर्शन है, तो फर्स्ट पोर्शन सॉल्व करते हैं, फिर सेकेंड पोर्शन में बात करेंगे। ठीक है। तो सिचुएशन देखिए कुछ कैसा है, एक तालाब है जिसका लंबाई कितना है, 20 मीटर, चौड़ाई कितना है, 18.5 मीटर, गहराई कितना है, 3.2 मीटर। गहराई और ऊंचाई एक ही होता है, हम पहले बता चुके थे आप लोगों को, जो एक एग्जांपल दिए थे चिमनी जैसे कुछ बना के ऊपर से हम जब देखेंगे तो क्या होता है, हमारा गहराई होता है, जब उसी चीज को हम नीचे से देखेंगे तो क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो लोग तालाब को नीचे अंदर जाके तो देख नहीं सकते, इसलिए लोग क्या करेंगे, उसको ऊपर से देखेंगे तो वही क्या हो गया, हमारा गहराई या ऊंचाई हो गया। तो हमारे पास 3 डाटा मिल गया कि तालाब का गहराई कितना है, लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है। अब बोल रहा है कि कोई उसमें एक पंप लगाया गया है जो उसमें से कितना 30 फीट से पानी निकाल रहा है, 160 किलोलीटर। बात को नोट करके रखिएगा, 160 किलोलीटर बोला गया। ठीक है। 160 किलोलीटर प्रति घंटा, और उस तालाब को पूरा खाली करना है। उस तालाब को पूरा खाली करने के लिए सबसे पहले तो हमें एक बात पता करना होगा कि उस तालाब में पानी है कितना। ठीक। अगर ये हमें पता हो जाता है तो हम उसको उस जो भी होगा पंप से हम निकाल सकते हैं। पहले तो हमें पता तो रहना चाहिए पहले कितना पानी है। सो टोटल पानी हमें कैसे निकलेगा, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक बात बताइए, जो तालाब का आयतन होगा, जो तालाब में आयतन होगा, जितना तालाब का आयतन है वही तो उसमें पानी आया होगा ना, यानी हमें क्या निकालना है, तालाब का आयतन निकालना है। तो चलिए हम लोग 9 नंबर सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास डाटा दिया गया उसको लिख ले हम लोग, क्या कह दिया गया, बोलिए तुम्हारे साथ, तालाब का लंबाई कितना है, तालाब का लंबाई कितना है, 20 मीटर, चौड़ाई 18.5 मीटर, ऊंचाई कितना है, 3.2 मीटर। अब हमें जल पता करना, तालाब में कितना जल है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, तालाब का आयतन, तालाब कैसा है, आयताकार है, तो यानी हमें क्या निकालना पड़ेगा, आयतन का आयतन, तो हम यहां से क्या निकाल देंगे, आयतन का आयतन, आयतन का आयतन क्या होता है, बोलिए मेरे साथ, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। गुड। सो लंबाई यहां पर कितना है, 20, चौड़ाई कितना है, 18.5, ऊंचाई कितना है, 3.2, पॉइंट रूम कर दीजिए, पॉइंट रूम कर दीजिए, कुछ कैसा बनेगा, यही आएगा ना, पॉइंट रूम करते हैं, 1 आता है, उसके जितना डिजिट आता है उतना 0 इंटू 32 बाई में, अब कैंसिल करना शुरू कीजिए, ये जाएगा 1 और ये 2, 10 एक 2 में चला गया, फिर हम लोग का ये इससे चल जाएगा 5, अब इसको 5 से हम लोग कट करेंगे, 185 को 5 से डिवाइड दीजिए, 5 3 15, 5 7 35, यानी 37, क्या आ गया, 37 इंटू 32, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 37 इंटू 32 कितना होगा, 4 2 11 84, कितना आ गया, 1184 घन मीटर। तालाब का आयतन कितना आया हमारे पास, 1184 घन मीटर, 1184 मीटर क्यूब। ठीक है। और एक बात बताइए, हमारा जो ये आयतन निकला है, ये जो आयतन निकला है
हमारा निकला किसमें, घन मीटर में। हमारा जो पंप का वेग है वो किसमें है, किलो लीटर में, यानी इसको भी लीटर में कुछ कन्वर्जन चाहिए। तो हमने पिछले वीडियो में एक बात बताया था आपको कि एक घन मीटर में कितना लीटर होता है, बोले मेरे साथ, एक घन मीटर में 1 किलोलीटर कितना होता है, 1 किलो लीटर। तो हम लोग यहां पर अप्लाई करके इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसा क्या 1184 घन मीटर है, तो इसको हम लोग किलो लीटर लिख देंगे, किलो लीटर। अब यहां पर वही डाटा लिख लीजिएगा, ये वाला जो स्टार बना का डाटा लिखा हुआ है, ठीक है, हम तो साइड में बता रहे हैं। चलिए यहां पर नोटा बता लीजिए, चलिए नोटा हो गया। अब देखिए आगे हम लोग पता चल गया तालाब में कुल कितना जल है, बेटा इसको तालाब में कुल कितना जल है, तालाब में कुल 1184 किलो लीटर जल अपने बोला, कितना तालाब में कुल कितना जल है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, तालाब में कुल जल की मात्रा, कुल जल की मात्रा इज इक्वल टू 1184 किलो लीटर, किलो लीटर। अब हम लोग निकालेंगे कि कितना समय लगेगा, ठीक है, कितना समय लगेगा। तो ये बात हमें वहां दे दिया है कि 160 किलोलीटर प्रति घंटा के वेग से, तो यहां से आप नहीं निकाल लीजिएगा, क्या दिया हुआ है, चूंकि क्योंकि पंप द्वारा 1 घंटे में 160 किलोलीटर जल निकलता है, इसलिए कुल जल, कुल तालाब लिख लीजिए, सही रहेगा, तालाब का जल निकलने में समय लगेगा, कितना समय लगेगा, जो टोटल जल है उसको लिख लीजिए और जितना 1 घंटा का स्पीड है उसको लोग भागा दे दीजिए, यही तो लगेगा ना, ठीक, 1 घंटा में आएगा क्योंकि हम लोग स्पीड किसमें ले रहे हैं, प्रति घंटा। तो इसको डिवाइड कीजिए, इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो कुछ कितना आएगा, 160 और ये मिनिमम 7 से जाएगा, 160 × 7 0 2 11 20 ये गया 64। फिर हम लोग पॉइंट देंगे 164 4 times कैंसिल, कितना आ गया हम लोग के पास 7.4 घंटा। अगर एग्जाम में यहां तक भी आप आंसर छोड़ के आते हैं तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर सही है, बट आप लोग का किताब में जो आंसर दिया वो मिनट का फॉर्म में दिया है, तो हम लोग इसको मिनट का फॉर्म में भी चेंज कर ले, ठीक है। तो हम लोग देखिए जो घंटा है तो वो तो सही है, जो हमारा घंटा वाला क्वेश्चन है वो तो सही है, ये देखिए पॉइंट वाला क्वेश्चन क्या है हमारा, पॉइंट में घंटा में, तो इसको चेंज करना पड़ेगा, 1 घंटा में कितना मिनट होता है 60 मिनट, तो हम लोग इसको चेंज करेंगे, हम लोग क्या है 0.4 घंटा है, तो इसको पॉइंट रूम करते क्या हो जाएगा 4/10 घंटा, ये वाला क्वेश्चन को केवल चेंज कर रहे हैं, ठीक है, 4/10 घंटा होगा, तो जब 4/10 घंटा होगा जिसको मिनट में बदलेंगे क्या करेंगे, 60 से गुणा करते हैं इसमें, तो 60 से गुणा कर देंगे तो मिनट में चला आएगा, ये गया यानी 24, यानी कितना आ गया हम लोगों का फाइनल आंसर 7 घंटा 24 मिनट, ठीक है, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर हुआ, ठीक है, यहां पे नोट कर लीजिए, चलो डाल करिए, चलिए हम मिटाते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन, देखते हैं सेकंड वाला क्या बोल रहा है, ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन पढ़िए, सेकंड वाला क्वेश्चन पढ़िए, आप लोग ट्राई कीजिए तो ये हो जाएगा, आपको कुछ है नहीं है उसमें, सबसे यही तक चार जो था क्यों थोड़ा सा बचा हुआ है, ठीक है, क्या बोला है कि यदि उस जल को 59.2 यानी 59.2 मीटर लंबे या 40 मीटर चौड़े मोड़दार एक खेत में डाला जाए तो जमीन में जल की गहराई कितनी होगी, निकाल लीजिए, कैसे निकलेगा, टोटल जल का आयतन हमें पता है, दिखाई थोड़ा सा देते हैं क्या होता है हम लोग का जल का आयतन, जल का आयतन कितना है हम लोग के पास 1184 मीटर क्यूब या 1184
किलोलीटर, बात एक ही ना है, ठीक है। तो यहां पर मीटर का यूज कर लेंगे, खेत का लंबाई दे दिया है, खेत की लंबाई कितना हो पास 59.2 मीटर, चौड़ाई दे दिया है, चौड़ाई दे दिया 40 मीटर, ऊंचाई को हम लोग, ऊंचाई को हम लोग कुछ भी मान लेंगे। और उसके देखिए अब आयतन है, लंबाई चौड़ाई है ऊंचाई नहीं निकाल लीजिएगा, आयतन और फॉर्मूला से इक्वेट करके निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम 10 नंबर में मूव ऑन करते हैं बेटा, इसको 10 नंबर सबसे पहले ध्यान से क्या हमारे पास, दस नंबर सब क्या बोल रहा है, एक घर में किरासन तेल के ड्राम में क्रमशः 800 लीटर, 725 लीटर या 575 लीटर जल था, ठीक है। उन तीनों ड्रम को एक आयताकार घन बर्तन में डाल दिया गया, इस बर्तन में तेल की गहराई 7 डेसीमीटर हो, यदि उस आयताकार बर्तन की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 4:3 हो तो बर्तन की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले सिचुएशन को समझिए, इसमें सिचुएशन समझना बहुत जरूरी है, सवाल तो एम बन जाएगा, सवाल कुछ है नहीं, ठीक है। तो सिचुएशन समझिए हम लोग, क्या है, एक घर में तीन ड्राम था, हम लोग बना लेते थोड़ा सा, ठीक है, ठीक। हम लोग ड्राम कैसे बनाया, एक 3 ड्राम हो गया, ठीक है, एक घर में 3 ड्राम था, हम लोग इसको D1 बोल देते हैं, ड्राम 1, D2, ड्राम 2, D3, ठीक है। अब देखिए तीनों में कुछ कुछ जल का मात्रा था, ठीक, उसको क्या किया, एक आयताकार बर्तन है, एक आयत घनाकार बर्तन है, आयत घनाकार बर्तन है, ये आयत घनाकार बर्तन हो गया, ठीक है। अब आराम से सिचुएशन को समझिएगा, इसमें जल की मात्रा कितना है, 800 लीटर, पहला ड्राम में जल की मात्रा कितना है 800 लीटर, दूसरा में 725 लीटर, दूसरा में 725 लीटर, तीसरा मामला कितना है 575 लीटर, यही है। अब किया क्या गया है, तीनों ड्राम का जो इसको इसको पकड़े आपने, इसमें डालना है आपको, ये हम लोग का बर्तन है, ठीक है, आयत घनाकार बर्तन है, आयत घनाकार बर्तन, घनाकार बर्तन है, ठीक है, आयत घनाकार बर्तन है। सबसे पहले आपने काम किया कि यहां ला कि इस जल को इसमें डालो, तो इसमें जल की मात्रा कितनी हो गई, 800 लीटर, ठीक है, इसमें 800 लीटर आपने जल डाल दिया। फिर आपने काम किया, इसको भी ला के इसमें डाला, फिर क्या होगा, इसमें और जुड़ जाएगा 725 लीटर प्लस 725 लीटर, ठीक है, हो गया। फिर जब तीसरे ड्राम को इसमें ला के डालिएगा, तीसरे ड्राम को डालते ये कितना हो जाएगा, प्लस 575 लीटर और आ जाएगा, 575 लीटर। और अब यहां से आप क्या समझे कि हम लोग को अब इससे मतलब ही नहीं है, इस पोर्शन से, इस पोर्शन बस इतना ही यूज था इसका, इस ड्राम का हमने उठा के तीनों का जल यहां पर डाल दिया, यानी ये जो इतना टोटल जल है इस आयत घनाकार जो बर्तन है उसका आयतन है। यहां तक बात समझ में आया, आराम से इसको फिर एब्जॉर्व करने की कोशिश कीजिए। तीन ड्राम था हमारा, D1, D2, D3, पहला ड्राम में 800 लीटर, दूसरा ड्राम में 725 लीटर, तीसरा ड्राम में 575 लीटर जल था। पहला जल को आपने इसके ऊपर जो ड्रम था इसको इसमें डाला तो 800 लीटर जल आ गया इस बर्तन में आएगा, तो इस जल को जब यहां डाल देंगे तो, ठीक है। फिर काम किया, इसको डाला 725 लीटर आया और जुड़ गया इसमें 725 लीटर, फिर जब इसको डालेंगे तो और कितना हो जाएगा, 575 लीटर और जुड़ जाएगा, यानी अब हम बोल दे तो आयत घन जो आयताकार बर्तन है उसका जो हम लोग का आयतन होगा कितना होगा, जितना तीनों ड्रम में जल था उसको हम जोड़ देंगे तो निकल जाएगा, तो हमें आयतन समझ में आता। चलिए हम इसको हम लोग मैथमेटिकली लिखते हैं, ठीक है, एग्जाम में कैसा सॉल्व करते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। बेटा इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको डायग्राम नोट करना बहुत जरूरी है सब।
ठीक है, एग्जाम में भी आप भी जब दीजिएगा एग्जाम, तब भी कहीं भी एग्जाम में कभी सॉल्व कीजिएगा, तो मेंसुरेशन हो, कंसेक्शन हो, थ्योरम हो, उसमें तीनों में डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, चलिए इसको मिटा दिया, मिटा दिया। ठीक है, सबसे पहले हमें जो डाटा दिया गया उसको हम लोग लिखते हैं। ठीक है, क्या क्या दिया गया हम लोग पास, 10 नंबर था ना, ये क्या दिया गया है, प्रथम पहला लिखिए। ठीक है, पहला ड्रम में जल की मात्रा, जल की मात्रा कितना है, 800 लीटर। दूसरा ड्रम में 725 लीटर। तीसरा ड्रम में कितना है, 575 लीटर। ये डाटा चेक कर लें, 800 लीटर, 725 लीटर, 575 लीटर। ठीक है, हो गया। अब एक बात बताइए, हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे आयताकार बर्तन का आयतन कैसे निकालेंगे, बताए थे अभी, आयताकार बर्तन का आयतन कैसे निकलेगा, इन तीनों को जोड़ देंगे, क्योंकि क्या कर रहा है, तीनों का जल उसको हम लोग डाल दे रहे हैं। ठीक है, So, आयत घनाकार बर्तन का आयतन इज इक्वल टू इसका पहला ग्राम का जल प्लस दूसरे ग्राम का जल प्लस तृतीय ग्राम का जल, यानी तीनों ग्राम का जो हम लोग जल का मात्रा जोड़ देंगे वही हो जाएगा। ठीक है, 725 प्लस 575, इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 800 प्लस 725 प्लस 575, 5 by 10, 1, 7, 9, 10, 1। सो फिर उधर से 2100 लीटर, 2100 लीटर। ठीक है, ये आ गया हमारा इस बर्तन में, जो भी बर्तन है आयताकार बर्तन है उसमें जल की मात्रा। ठीक है, ये लीटर आ गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फर्दर इस पे इंफॉर्मेशन पे। ठीक है, हम लोग पास और क्या दे रखा है, हमारे पास और क्या दे रखा है, हमारे पास आयताकार जो आयताकार बर्तन है उसका गहराई 7 डेसीमीटर हो जा रहा है, 7 डेसीमीटर। गहराई मतलब उसका ऊंचाई, गहराई और ऊंचाई एक ही होता है, यानी हम बोल सकते हैं आयताकार आयत घनाकार बर्तन की ऊंचाई, ऊंचाई और गहराई, इसलिए ऊंचाई हमने गहराई लिख लिया। ठीक है, 7 डेसीमीटर। ये डाटा हमारे पास दे चुका है, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, उसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 हो, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 हो। तो इसका पहले हम जो एक और अनुपात हमारा क्वेश्चन है, तो वहां पर हमने बताया था कि डायरेक्ट हम अनुपात है, जो लंबाई वाला अनुपात 4:3 दिया था, हम डायरेक्ट इसको लंबाई 4 और चौड़ाई 3 नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, अनुपात है, तो एक ही संख्या का एक ही कोई संख्या होगा बड़ा सा, जिसको एक ही संख्या से काट के इसको छोटा किया गया होगा, इसलिए हम क्या करते हैं इसके साथ एक फिक्स वेरिएबल लेते हैं। फिक्स वेरिएबल यानी जो वेरिएबल इसके साथ लेंगे वही वेरिएबल इसके साथ भी लेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब यहां से क्या बोल सकते हैं, लंबाई आयताकार बर्तन की ये सेम है। ठीक है, लंबाई लंबाई ये चौड़ाई का अनुपात, चौड़ाई का अनुपात कितना है, 4:3। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, लंबाई इज इक्वल टू 4x माना बोल दे क्या, चौड़ाई इज इक्वल टू 3x माना बोल दिया। चलिए अब यहां से आपको आपको बात ये नोटिस करना है कि आयतघन बर्तन में जो हमारा आयताकार बर्तन है उसका हमें आयतन मिल गया। ठीक, उसके बाद हमें क्या मिल गया, ऊंचाई मिल गया, लंबाई मिल गया और चौड़ाई मिल गया। तो यहां से क्या x का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, निकाल देंगे भैया। अब प्रॉब्लम यहां से थोड़ा सा प्रॉब्लम नोट कीजिए, ये देखिए हमारा लीटर में है, सो हमारा लीटर से इसे हमारा यूनिट का से कुछ रिलेशन बताए थे हमने, क्या रिलेशन था हमारा, एक लीटर
इक्वल क्या होता है, एक घन डेसीमीटर, एक किलोलीटर इज इक्वल टू एक घन मीटर, ठीक है, इन दोनों का कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। एक किलोलीटर होता है, किलोलीटर इन लोग बोले तो 1000 लीटर हो जाता है, ठीक है। एक किलोलीटर इज इक्वल टू एक घन मीटर, तो हमारा यहां किस में है, लीटर में है, तो इसको हम बदल के किस में कर सकते हैं, लिख सकते हैं क्या 2100 डेसीमीटर क्यूब। यहां पे आप यही वाला लिख दीजिएगा जो स्टार वाला हमारा है, ठीक है। अब देखिए यहां से आपको क्या मिल गया, बर्तन का आयतन मिल गया, ऊंचाई मिल गया, लंबाई मिल गया, चौड़ाई मिल गया, तो एक्स का वैल्यू निकाल लीजिएगा आप लोग। चलिए वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, चलिए वीडियो पॉज कर ट्राई कीजिए, ठीक है। हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, टोटल डाटा नोट कर लीजिए, इसके आगे पॉज कर ट्राई कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग पास अब फाइनली हम लोग पास क्या बोल सकते हैं, हम लोग पास क्या है, हम लोग बोल सकते हैं कि आयताकार बर्तन का आयतन, आयतन इक्वल कितना है 2100 डेसीमीटर क्यूब है, ठीक है। आयतन आयताकार बर्तन का आयतन यानी आयतन का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, कितना इक्वल कितना है 2100 डेसीमीटर क्यूब। लंबाई कितना है हमारे पास 4x, अब निकाल लीजिए यहां से, आप तो पॉज कीजिए जिसका नहीं बना वहां से ट्राई किया हो जाएगा। ऊंचाई कितना है 7 डेसीमीटर, ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, सबसे पहले इसको कीजिए, कितना हो जाएगा हम लोग पास 2l x² और × 7 इज इक्वल टू 2100 डेसीमीटर क्यूब। सब डेसीमीटर में रहेगा, मैं एक्स का वैल्यू क्यों निकल जाएगा, ये भी डेसीमीटर में आएगा, ये भी डेसीमीटर में, ये भी डेसीमीटर में, डेसीमीटर डेसीमीटर तीनों में, तो 7 डेसीमीटर क्यूब बन गया, वो भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं क्या, हमने 7 को इधर भेज दिया, ठीक है, फिर 12x² इक्वल टू कितना हो गया 3 यानी 300, फिर हमने x² इक्वल टू क्या लिख दिया हमने 12, फिर डिवाइड कर दीजिए इसको, फिर कितना गया 6 150 75 3 25, x² इक्वल कितना आ गया 30, तो x इक्वल कितना आ गया हमारा 5। अब x का वैल्यू 5 आ गया, तो हम यहां से लंबाई चौड़ाई लिख सकते हैं, इसलिए लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई इज इक्वल टू कितना था 4x, सो 4 × 5 यानी 20 डेसीमीटर, ठीक है। फिर हमारा क्या आ जाएगा, चौड़ाई, चौड़ाई कितना होगा, चौड़ाई कितना था 3x, सो जब x का वैल्यू बैठाएंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 3 × 5 यानी कितना हो जाएगा 15 डेसीमीटर, ठीक है। चलिए यहां तक हमारा सॉल्व हुआ, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट किया, चलो बिठा दे इसको, चलिए गुड। अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन आप पढ़िए, जो सेकेंड क्वेश्चन और देखकर रखा है इसमें समझ में आगे थोड़ा सा उसको पढ़िए, यहां तक थोड़ा सा तो स्टार्टिंग से जाके फिर देखिए, ठीक है, वो जो ड्रम है उसी को थोड़ा सा चलो दिक्कत होता है, बाकी इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। आगे से हम लोग बोल रहा है, आगे हम लोग क्या बोल रहा है, यदि उस आयत घन बर्तन, आयताकार घन, जो भी आयत घनाकार बर्तन है, यदि उस आयत घनाकार बर्तन की गहराई 5 डेसीमीटर होती, तो क्या उसमें 1620 लीटर तेल उस बर्तन में रखा जा सकता था कि नहीं। साफ कर देखिए एक बात बताइए, अगर आप लोग को हम एक बोतल दे दे, वाटर बोतल दे दे, और बोले उसमें बताओ कि 5 लीटर पानी रखा जा सकता है कि नहीं रखा जा सकता है, तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, उस बॉटल का आयतन पता करने की कोशिश कीजिएगा, यानी उस बॉटल का अगर आयतन आपको पता है तो बोलिए कि हमें अब बॉटल का आयतन 4 लीटर, 5 लीटर, अगर आपका बॉटल का आयतन, तो बोलिए मेरा बॉटल का आयतन जो है 5 लीटर है, आप 5 लीटर इसमें पानी रख सकते हैं। अगर आपका बॉटल का जो आयतन अगर 5 लीटर नहीं होता, 2 लीटर 3 लीटर होता, आप क्या बोलते हैं, मेरा बॉटल का आयतन 2 से 3 लीटर है, और हम क्या कर सकते हैं, इसके हम लोग इसमें 5 लीटर जल
नहीं रख सकते। तो ऐसे भी इसको ही करना होगा, यानी हमें क्या करना होगा, गहराई उसका 5 डेसीमीटर लेकर, गहराई उसका 5 डेसीमीटर लेकर हमें उसका आयतन चेक करना होगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, वो बोला है यदि उसकी गहराई 5 डेसीमीटर होती, यदि उसकी गहराई 5 डेसीमीटर होती, यानी जो उसका चौड़ाई और लंबाई है वो पहले जितना था वही रहेगा, ठीक है, केवल क्या चेंज करेगा, गहराई चेंज करेगा। तो हमारा क्या बोलते हैं, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार क्या हो जाएगा, बर्तन की लंबाई कितना है, हमारा लंबाई कितना निकला था 20 डेसीमीटर, चौड़ाई कितना निकला था 15 डेसीमीटर, ऊंचाई वो वाला नहीं बैठा सकते हम क्योंकि इसमें कंडीशन देख रख दिया है, यदि होती तो, यानी यदि 5 डेसीमीटर गहराई होती तो, यानी उनका ऊंचाई कितना हो गया 5 डेसीमीटर। अब बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन कितना हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई कितना है 20, चौड़ाई कितना है 15, ऊंचाई कितना है 5, 20 × 100, 100 × 15 यानी 1500 डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि एक घन डेसीमीटर में कितना लीटर होता है 1 लीटर, सो इसलिए कितना हो गया 1500 लीटर, यानी उस बर्तन में टोटल जल कितना आएगा 1500 लीटर। और वो पूछ रहा है आपसे क्या उसमें 1620 लीटर तेल रखा जा सकता है, नहीं 1620 लीटर तेल नहीं रखा जा सकता, क्योंकि उसमें कितना तेल रखा जाएगा 1500 लीटर, ठीक है। चलिए यहां तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है, चलो नोट कर लीजिए, नोट कर लिया, चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब 11 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, 11 नंबर क्वेश्चन से क्या होगा, रीड कीजिए 11 नंबर, भी आप लोग अगर चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, अप्रोक्स 90% जो इसका पोर्शन है वो सेम इसके जैसा ये, जैसा ये था, ठीक है। चलो तो वीडियो पॉज करके ट्राई कर लीजिए, थोड़ा देखिए बन जाएगी, बन जाए 10 नंबर का जैसा ही था, थोड़ा सा इसमें अगर 1% और ज्यादा एड किया गया, बाकी सब सेम है, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं, क्या बोल रहा है, हमारे 3 तले फ्लैट में, हमारे 3 तले फ्लैट में 3 परिवारों के लिए क्रमशः 1200 लीटर, 1050 लीटर या 950 लीटर जल की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। उसकी आवश्यकता मिटाने के बाद भी 25% जल वहां मौजूद रहे, ऐसे हॉल्स को बैठाने के लिए 2.5 मीटर लंबी 1.5 मीटर चौड़ी एक जगह प्राप्त है, तो हॉल्स की ऊंचाई कितनी रखनी पड़ेगी ज्ञात करें, ठीक है। सिचुएशन को आराम से समझने की कोशिश कीजिए, सपोज कीजिए आपको जो है काम मिला है, आप उसको घर का जो टंकी है उसको बैठाना है, आपके एक फ्लैट में गए, वहां आपको बोला गया कि एक टंकी बैठाना है आपको, ठीक है, और आपको जल का टोटल क्वांटिटी बता दिया कितना यहाँ पे जल का जरूरत पड़ता है, बोला गया यहाँ देखिए 3 टोटल फ्लैट है, ठीक है, 3 फ्लैट में पहला फ्लैट जो है उसमें 1200 लीटर जल की आवश्यकता पड़ती है, ठीक, दूसरा जो फ्लैट है उसमें 1050 लीटर जल की आवश्यकता पड़ती है, तीसरा जो फ्लैट है उसमें 950 लीटर जल की आवश्यकता पड़ती है, बात समझ में आई। फिर बोला गया कि आपको ऐसे टंकी बनाना है जो इमरजेंसी के लिए ऐसा बनाइए कि जितना टोटल जल हो रहा है उसका 25% वहां ऑलरेडी हमेशा मौजूद रहे, इतना यूज होने के बाद भी, ठीक, और आपको जगह बोल दिया गया कि इतना चौड़ाई है, इतना ऊंचाई, इतना लंबाई है, चौड़ाई लंबाई आपके पास फिक्स है, चौड़ाई लंबाई आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, आपके पास ऑप्शन ये है कि आप ऊंचाई को जितना चाहे बढ़ा सकते हैं, जितना चाहे घटा सकते हैं, लेकिन आपका जो यहाँ पे जरूरत है वो पूरा हो जाना चाहिए, ठीक। सो एक बात बताइए, आपको जो टंकी बैठाना है उसका सबसे पहले पता कर लेना होगा कि उसमें टोटल कितना जल चाहिए हमें, यानी कितना हमें जल की आवश्यकता, टोटल जल कितना चाहिए, उसके बाद हम काम शुरू करेंगे, ठीक है। तो टोटल जल निकालने के लिए सबसे पहले पता करना ये हमारा जरूरत है कि पहला परिवार को कितना जल लगा, दूसरा परिवार को कितना जल लगा, तीसरा को कितना जल लगा, और उसका 25% जो हमें बचा है वो कितना जल है, यानी टोटल जल हमें पता कर लेना होगा। तो हम टंकी का टोटल जल बना पता कर लेते हैं 11 नंबर, ठीक है। क्या दे दिया हम लोगों के पास, दिया गया है कि
पहले परिवार में, पहले परिवार वार में जल की खपत, जल की खपत ठीक है, खपत कितनी है 1200 लीटर ठीक है, थोड़ा हिंदी देख लीजिएगा ठीक है, वो पता है। दूसरे परिवार में जल की मात्रा कितना होता है, जल कितना लग रहा है 1050 लीटर ठीक। तीसरे परिवार में, तीसरे परिवार में कितना जल लग रहा है, तीसरे परिवार में कितना जल लग रहा है 950 लीटर। इतना हमारा टोटल जल का जरूरत है केवल परिवार के लिए ठीक है, और बाकी वो 25% हम निकालेंगे, और यही डाटा हमारे पास। यानी हम बोल दें जैसे लोग हमारा तीन ड्रम नहीं था, वैसे ही देखिए यहाँ पर तीन परिवार दे दिया, यानी तीनों परिवार में इतना जल की आवश्यकता है। यानी हम लोग पता कर ले परिवार, परिवार में कुल परिवार में जल की खपत, कुल परिवार में जल की खपत कितना है, तीनों को जोड़ देंगे यानी 1200 प्लस 1050 प्लस 950 यानी कितना हो गया 0 और 5 5 10 इसको यहां जोड़ लीजिए ठीक है, कंफ्यूजन होगा आप लोग, 0 10 1 और 9 11 और 12 1 यानी 3200 लीटर ठीक है। टोटल जल की जरूरत कितना है 3200 लीटर, तीनों परिवार में टोटल जल कितना लग रहा है 3200 लीटर। लेकिन आपको एक बात और यहाँ पे ध्यान देना है कि 3200 लीटर ही आपको जल का टंकी नहीं बनाना है, आपको टंकी कितना बनाना है कि 3200 आपका जो है ये जो जल है 3200 लीटर तो आपका यूज हो जाएगा, उसमें 25% जल हमेशा बचा रहे, किसका 25% कुल जल का, यानी इसका 25% हमें निकालना होगा ठीक है। सो आपने अगर 89% निकाला होगा तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता था, परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता था, भूल गए भैया, चलिए देख लीजिए परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज इज इक्वल टू यूज वैल्यू, यूज वैल्यू यानी जो राशि हमें प्रयोग में लाई गई है, टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू यानी कुल राशि इंटू 100। तो हमें तो यहां परसेंटेज निकालना नहीं है, हमें क्या निकालना है, यूज वैल्यू निकालना है, यानी ये इधर देखिए नीचे में तो ऊपर जाएगा तो इधर, यानी परसेंटेज इंटू टोटल वैल्यू, परसेंटेज इंटू टोटल वैल्यू डिवाइड बाई, देखिए गुणा में देगा डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू यूज वैल्यू, यही बात हो, हमें निकालना क्या है यूज वैल्यू यानी 25% जल कितना होता है, इस चीज का 25% जल कितना होता है। तो परसेंटेज कितना बोला गया है 25% इंटू टोटल वैल्यू हमारे पास कितना है 3200, कितना है 3200, फिर उसके अलावा कितना है भाई में 100 जीरो 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 गया, 25 इंटू 32 कर लीजिए 0 40 15 16 4 800 कितना आ गया 800 यानी 800 लीटर ठीक है। तो हम यहां सब लिख सकते हैं प्रयोग जल का 25% कितना होगा हम लोग के पास 800 लीटर, ये समझ में आया। तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, यूज वैल्यू बाई टोटल वैल्यू इंटू 100, यूज वैल्यू बाई में टोटल वैल्यू इंटू 100। सो हम लोग इसको यहां से निकालना क्या था यूज वैल्यू, तो हम लोग डिवाइड होता उधर गया तो गुणा में आ गया, इधर गुणा होता तो इधर जाएगा तो भागा में वैल्यू बैठाया, वहां से निकाल लिया हम लोग का ठीक है। सो इसको हम लोग मिटा के थोड़ा सा ये कैलकुलेशन आपको दिखा दीजिएगा ठीक है, केवल ये कैलकुलेशन दिखा दीजिएगा आप लोग ये वाला ठीक है, बाकी दिखाने पूरा दिखा सकते हैं, ये मस्ती बने ठीक है। प्रयोग जल का 25% इसको तो क्या हो जाएगा 25 इंटू 3200 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 800
लीटर। ठीक है, अब एक बात बताइए, अब आपका जो टंकी बैठाना है आपको उसका आयतन कितना रखना होगा, कितना रखना होगा? ये 800 लीटर वहां पे हमेशा मौजूद रहेगा, 32 से यूज होगा, यानी टोटल दोनों जोड़ के यानी 4000 लीटर का आपका टंकी बनाना है। बात समझ में आया यहां तक? यहां तक आपको यह पता चल गया कि टंकी का आयतन कितना रखना है, 4000 लीटर। इसलिए टंकी का आयतन, टंकी का आयतन इज इक्वल टू कुल परिवारों द्वारा जल प्रयोग जल 3200 लीटर प्लस 25% जो वहां पे बचाना जल है उसको हम लोग जोड़े कितना हो जाएगा, 3200 प्लस 800 यानी 4000 लीटर, 4000 लीटर हो गया। अब हम लोग बोल सकते हैं कि इसको देखिए फिर लीटर वाला आया, इसको हम लोग फिर चेंज करके किसमें लिख सकते हैं, डेसीमीटर में। क्यों, क्या होता है हमारा, चूंकि एक लीटर इसको कितना होता है, एक घन डेसीमीटर, सो हम यहां पर भी लिख सकते हैं 4000 घन डेसीमीटर लिख सकते हैं। तो चलिए यहां तक हमने क्या किया, टोटल टंकी का आयतन निकाला। कैसे निकाला, क्योंकि हमसे बोला था कि तीन फ्लैट का जो तीन परिवार है उसमें इतना 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 जल का आवश्यकता है, ठीक है, फ्लैट में तीनों का जल का इतना इतना आवश्यकता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, तीनों का जो फ्लैट में जरूरत जितना जल जरूरत था उसको हमने इकट्ठा जोड़ा, हमें मिला 3200 लीटर, यानी टोटल परिवार द्वारा कितना जल यूज हो रहा था, 3200 लीटर। एक और कंडीशन हमारे पास उसने दे रखा था, बोला था कि 25% टंकी बनाना है उसका टोटल मात्रा कितना रहना चाहिए, 4000 लीटर का, और 4000 लीटर को हमने चेंज किया तो यानी टंकी का आयतन जो है कितना आ गया, 4000 घन डेसीमीटर। क्यों, क्योंकि एक लीटर इक्वल टू एक घन डेसीमीटर। यहां तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है, चलिए यहां तक नोट डाउन कीजिए, ऊपर से मिटा रहे, ठीक है। टंकी की गहराई निकालना है तो हम टंकी का गहराई कैसे निकाल लेंगे, हमें आयतन मिल गया, हमें पास क्या है, टंकी का आयतन कितना है, 4000 लीटर या 4000 घन डेसीमीटर, ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं, जो हमें डाटा दे दिया था टंकी के बारे में उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। हमें क्या बोला था कि टंकी का जो बैठाने के लिए हॉल्स बैठाने के लिए हमारे पास कितना है, 2.5 मीटर लंबी जगह लंबाई है और चौड़ाई कितना है, 1.66 मीटर, ठीक है, हॉज या टंकी, ठीक है। आप लोगों ने इसमें हॉज मेंशन किया तो हॉज कर लीजिए, ठीक है, हॉज या टंकी एक ही होता है, ठीक है। हॉज की लंबाई कितना है, 2.5 मीटर, हॉज की चौड़ाई कितना है, 1.6 मीटर, हॉज की ऊंचाई, ऊंचाई कितना है नहीं पता, यही ऊंचाई गहराई निकालना, तो हम इसको कुछ मान लेते हैं वेरिएबल, तो हमने यहां पे आर मान लिया। अब देखिए इसको आप लोग अब समझ गए इसे कैसे सॉल्व करना है, लेकिन एक बात को बस आराम से नोटिस कर लीजिएगा कि ये देखिए डेसीमीटर में है, ये मीटर में है, यानी इसको भी किसमें बदलना पड़ेगा, मीटर में। तो हम लोग का क्या कंफ्यूजन था, कैसे है डांस म्यूजिक दोनों क्षम, यानी हमारा किसमें है, मीटर में है, डेसीमीटर में जाना, यानी यहां से क्या करना होगा, हमें इधर जाते हैं तो 10 से गुणा करते हैं, यानी कितना हो जाएगा, 25 डेसीमीटर, ये कितना हो जाएगा, 16 डेसीमीटर, ठीक है। तो हम निकाल सकते हैं यहां से आराम से, कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो वीडियो पॉज से कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, एटीपी हम लोग लिखते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, यानी प्रश्नानुसार क्या है, हॉज का
आयतन इसको कितना है 4000 डेसीमीटर क्यूब, और हौज का आयतन कैसे निकलेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी 4000 डेसीमीटर क्यूब। लंबाई कितना है हमारे पास 25, चौड़ाई कितना है 16, ऊंचाई कितना है, ऊंचाई को हमने आर माना है, यही निकालना है हमें, ठीक है। अब आर को यही रखेंगे, बाकी सब को उधर ही भेज देंगे। पच्चीस इंटू सोलह, 25 × 16 कीजिएगा टोटल 400 आएगा हम लोगों के पास। सो 4000 डिवाइड बाई 400, 0000 गया, 10 से गया, यानी 10 डेसीमीटर। इसको चाहिएगा तो आप लोग 1 मीटर भी लिख सकते हैं आंसर, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। अब इसका द्वितीय सत्य यानी सेकेंड पोर्शन देखिए हम लोग के पास, ठीक है। सेकेंड पोर्शन देखिए इसका, सेकेंड पोर्शन रीडिंग कीजिए बेटा इसको, ठीक है बेटा इसको, ठीक है। हम लोग पास इसका जो द्वितीय सत्य यानी सेकेंड पोर्शन जो सवाल कर दिया उस सूत्र में एक बार रीडिंग कीजिए, तो रीडिंग कर लिया। क्या बोल रहा है देखिए हम क्या बोला, यदि उस जगह की चौड़ाई 4 डेसीमीटर और होती, 4 डेसीमीटर और अधिक होती, 4 डेसीमीटर और अधिक होती, तो जो हम लोग का टैंक है वो कितना गहरा खोदना पड़ता, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है हम लोग पास, फिर हम लोग क्या रह जाएगा, द्वितीय सरता सर, फिर हम लोग क्या रह जाएगा, द्वितीय स्वतंत्र में क्या आ जाएगा, जो हमारा लंबाई था हौज का, हौज का, हौज का जो हम लोग का लंबाई था वो वही रह जाएगा, यानी 20 डेसीमीटर कितना था हम लोग का हौज का लंबाई, वो 25 डेसीमीटर था, कितना था 25 डेसीमीटर, ठीक। हौज का आयतन कितना था, हौज का आयतन कितना था, आयतन कितना था हमारा 4000 घन डेसीमीटर, यही था। फिर हम लोग पास बोल आया कि उसका जो चौड़ाई है, ध्यान से इसको बस यही समझिएगा, हम लोग पास क्या था, हौज का लंबाई कितना था 2.5 मीटर या 25 डेसीमीटर, हौज का आयतन कितना था 4000 घन डेसीमीटर, ठीक है। और इस कंडीशन में ये बोल रहा है कि अगर अगर उसका चौड़ाई हम मान लें कि 4 डेसीमीटर और अधिक हमें मिल जाए तो कितना गहरा खोदना होगा, ये चेक करना है हमें। तो हौज का, हौज की चौड़ाई 4 डेसीमीटर अधिक होने पर, 4 डेसीमीटर अधिक होने पर क्या हो जाता, पहले कितना था हमारा 16 डेसीमीटर प्लस और 4 जुड़ गया, कितना हो गया 20 डेसीमीटर, ठीक है। अब हौज की जो गहराई होगी, हौज की जो, हौज की गहराई जो भी हो, हम लोग कुछ मान लेते हैं x मान लिए। अब यहां से देखिए फिर आयतन का पोर्शन ही आ गया, हौज का लंबाई है आपके पास, चौड़ाई है आपके पास, आयतन है, तो लंबाई नहीं निकाल लीजिएगा, सॉरी गहराई नहीं निकाल लीजिएगा, लंबाई चौड़ाई आपके पास है, आयतन है, वहां से गहराई है ऊंचाई निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो पोस्ट करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। सोनो का इस वीडियो हम 11 नंबर तक ही रखते हैं, जो हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसको स्पीड करके हमें कॉल नेक्स्ट वीडियो में दे दे रहा है, ठीक है। इस वीडियो में बहुत ऐसे ज्यादा टाइम हो गया तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।